देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। रुड़की के जबरेड़ा में पूर्व विधायक चौधरी ईश्वर द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ सहित बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। जबरेड़ा के बरातघर में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कवियों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर कविताएं सुनाकर लोगों की जमकर वाहवाही लूटी। वहीं कवि अमित शर्मा और सल्तमस ने अपनी कविताओं में सियासत पर जमकर तालियां बटोरी। कवियों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देकर देश को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया। वहीं मेरठ पॉपुलर ने भी सभी लोगों को हंसाकर लोटपोट कर दिया। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि होली का त्योहार आपसी भाईचारे और प्यार मोहब्बत का पैगाम देता है। इस त्योहार को सभी को मिलजुल कर मनाना चाहिए। ऐसे त्योहारों से समाज को एक नई दिशा मिलती है। आप देख रहे होंगे कि सांप्रदायिक ताकतें हिंदू और मुसलमान को अलग, जो भारतवर्ष में रहता है वो भारतवर्ष का है और उसे भारत की नागरिकता हासिल है। तो एक संदेश हमने अपने हिंदुस्तान को दिया है कि इसमें हिंदू और मुसलमान सब भाई भाई हैं, प्यार मोहब्बत से लें, होली मिलजुल के मनाएं और खुशहाल। होली का मौका है और यदि मैं लोगों से कहूँगा विश्वास कर लीजिए तो मैं समझता हूँ इस साल का ये सबसे बड़ा मजाक है। बड़ा सा मजाक होना चाहिए और इसको सही। टाइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से संवाददाता अली जैदी की रिपोर्ट। देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।